इस जगह जो नरमे की फसल से सुंडी का हमला शुरू होया कहा कि नरमे को बचा लो उदो खेतीबाड़ी महाराज ने कहा कि नहीं सुंडी का हमला नहीं है एवं हवा ने उदा सिट्टा की निकल जी पूरी की पूरी फसल तबाह होगी पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार से उस समय जो गुलाबी सुंडी पई है नरमा तबाह होया उदो बुड़क बुड़क के स्टेजा से बोलते रहे हैं कि देखो जी आ जिहड़ा नरमा तबाह होया यह सरकार की अणगहली करके होया नलैकी करके होया तो ऐतकी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ऐतकी तो भगवंत मान की खुद ही सरकार है जिन्ना साडा बनदा मुआवजा पूरे का पूरा मुआवजा देन उहदे पिछे नाटन भज्जण ना सानू 60,000 रुपया किले का देन इस तां बाहर वेला रख लेंगे सानू की लोड़ पैंदी भरपाई करन दी नरमे की फसल से गुलाबी सुंडी का हमला इस बार फिर देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले साल भी नरमे की फसल उपर गुलाबी सुंडी के हमले कारण वड्डी पद्धर उपर नरमे का नुकसान होया सी इस बार अगेते बीजे नरमे के उपर मुड़ तो सुंडी पै गई है जिस किसान अपनी फसल बोन मजबूर हो रहे हैं। अज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहां वालों खेतीबाड़ी दफ्तर का घिराओ किया गया है। साढ़े नाल किसान आगू मौजूद है जान लेना की कारण है प्रधान जी अज खेतीबाड़ी दफ्तर का घिराओ किया है की मंगा है ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲੀ ਵਗ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਬੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ इस जगह जो नरमे की फसल से सुंडी का हमला शुरू होया इतनी कहा कि नरमे को बचा लो उदो खेतीबाड़ी महाराज ने कहा कि नहीं सुंडी का हमला नहीं है एवं हवा ने उदा सिट्टा की निकल जी पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई थी। अज भी असं कह आए हैं कि मौका है हूँ जागो हूँ सांभ लो नरमा जे नरमे की फसल दोबारा मर गई किसान पट्टे जाएंगे पहले ही बहुत कर्जा है यदा खियामा जानी सरकार को भुगतना पेगा सरकार के नक च दम कर देंगे किसान के दूजी बार नरमे की फसल मर गई ये कहने वास्ते आए हमेशा इस तरह का व्यवहार किया जाता है क्योंकि सिर्फ वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि असी देखो जी खेतों जा रहे हैं असी यदि सांभ संभाल कर रहे हैं पर ऊ जे असी प्रैक्टिकली देखिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं है इस करके क्योंकि पिछले साल भी जो नरमे की फसल मरी है गुलाबी सुंडी पिछले साल भी जो नरमे में पई है उस समय भी इन्होंने इस किस्म दबर इस किस्म के बयानबाजी की कि असी देखो जी नरमे की फसल की सामभ संभाल वास्ते असी खेतों में जाके आह कर रहे हैं पर प्रबंध कोई नहीं किया है ना उन्होंने बचाने का कोई प्रबंध किया ना कोई रेह स्प्रेह का कोई प्रबंध किया कि यहोजी रेह स्प्रेह लिया के दी होसानों कि आह करो जी ये रोकथाम हो जाएगी पर नहीं वो सिर्फ लिफाफेबाजी होंगी है इस करके असं कहने कि भगवंत मान जिहड़े साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री है पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार सी उस समय जो गुलाबी सुंडी पई है नरमा तबाह होया उदो बुड़क बुड़क के स्टेजा से बोलते रहे हैं कि देखो जी आ जिहड़ा नरमा तबाह होया ये सरकार की अणगहली करके होया नलैकी करके होया तो ऐतकी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ऐतकी तो भगवंत मान की खुद की सरकार है तो खुद की सरकार नूं असीं कहण आए हैं कि आह हमला हो गया मिली बग का हमला भी हो गया गुलाबी अगला हमला हमला दे ते लोग धड़ाधड़ नरमा बढ़ जाते हुए है अगले दे दे बनता तो यह सी कि आह बीमारी पैण तो पहला अगला बुलारा दे दे पैण तो पहला अगाऊ सरकार यदा कोई प्रबंध कर दी जिमें पिछले साल उन्होंने कहा कि यदा प्रबंध पहला करना चाहिए सी कि बीमारी ना पवे होंगे पर इस किस्म का कुछ नहीं किया अजे भी सरकार है जी सुती पी है महकमा सुता पे है असं जगा आए हैं कि यह बचाया जा सकता है नरमा जो हम प्रबंध करना जे ना बचाया तो संघर्ष तिखा होगा। जगदेव जी खेतीबाड़ी अधिकारियों का गल हुई है वो कहते जे ETL तो घट है सुंडी का हमला तो उसे स्प्रे की लड़ नहीं जो ज्यादा तो अभी स्प्रे की सिफारिश करते हैं। देखो ये कहते हैं भी घट है जो एक आंडे तो पैदा होंगी है जो एक आंडे तो यह बढ़ती बढ़ती वधूगी घटती तो है ही नहीं गई फिर जो बढ़ गई बीमारी बढ़ गई
फिर वह इलाज किमें करे जो घट देते इन्हों तो इलाज होंगे नहीं बधी हुई बीमारी का किमें इलाज कर देंगे। ये तो वो गल है भी एक लोगों ड्रामेबाजी करके दिखा दो दस दो लोगों फिर बाकी मैं थोड़ा होर दस दिना असं ना मीटिंग करवाते फिरते ही पिंड उदो खेतीबाड़ी विभाग के इतों के अफसर जाके भी मीटिंग करवाइया से इन्होंने साढ़े कट्ठा के इन्हों ने कहा भी जेड़ा सटिया की रहत खूंद थले होंगी हैगी सारे सटियां बिचे उत्थे अग ला दो भी जोड़े वो आंडे ने गे वह आंडे मच जाएंगे तो जोड़ा बच जाएगा वह सूडी का गुलाबी सूडी का जो सारी की सारी सूडी है जी मच जूगी पर इन्होंने दवाई की सिफारिश नहीं किसी की की उत्थे समा जी सूँ कहता भी इनू अग ला दे भी कोई बालन भी ना मचा भी ना लैन किसान के मजदूर उन्होंने गलों तो भी साढ़े नरसमा जी वो करते रहे ने असी कहने सरकार तो मंग करते हैं भी यह स्परेह वधिया लिया के देन किसानों स्परेह छिड़कण जे नहीं स्परेह दित्तियां जांदियां साढ़े वालों सातों बेला रखवा लैन वाहन सानू तो पूरा इहदा जिन्ना साडा बणदा मुआवजा पूरे का पूरा मुआवजा देन वो तो पिछे नाटन भजन ना सानू 60,000 रुपया किले का देन इसका वाहन बेला रख लेंगे सानू की लोड़ पैंदी भगाई करन दी फिर उत्थे सरकार नहीं मनदी हैगी असीं कहने आ सरकार दे नासी दम लिया देंगे लवेंगे मुआवजा लवेंगे जिहड़ा ने किसानों ने नरमा वाहता तो जे ना इस गल दे उत्तों भजूगा तो आने वाले दिनों के थरथलियां मचा देंगे। बिल्कुल जिस तरह सुनया इन्हों का कहना है कि सरकार इसका कोई उचित प्रबंध करे ताकि जी गुलाबी सूंडी की रोकथाम की जाए नहीं तो किसानों जो खराब होया नरमा है वो 60,000 रुपया किले का मुआवजा दिता जाए। पीशम गोयल D5 चैनल पंजाबी मानसा। होएगी किसानों की गल नवी खेती मशीन बीजा तो बाघा की गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो बेल आइकन पे क्लिक करो।